अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि देश भर में ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रूप से हो, इसलिए अब गृह मंत्रालय का कंट्रोल रूम एक्शन में है। इस कंट्रोल रूम के जरिए रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है कि जिस राज्य के किस समय कहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के तालमेल से ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करने का ये काम हो रहा है। गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक कल से इंडस्ट्रीज में ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो औद्योगिक कार्य के लिए नहीं बल्कि नहीं की जा सकती है। ऑक्सीजन की सप्लाई सिर्फ अस्पतालों और चिकित्सा के लिए यानी मेडिकल रीजंस के लिए की जा सकती है। ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। अमित पांडे जुड़ रहे हैं, तो यानी गृह मंत्रालय भी अब इसमें सक्रिय हो गया अमित, और जियो टैगिंग के साथ और जियो लोकेशन के साथ इसको मॉनिटर किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ताकि कहीं ना कहीं पूरी तरह से कहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और कहीं अगर कोई टैंकर या कोई सप्लाई लाइन फंस जाती है तो उसको इमीडिएटली उस बॉटलनेक को क्लियर किया जाए, इस पर भी काम हो सकता है। जी बिल्कुल, एक संयुक्त टीम बनाई गई है जिसमें गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के आला अधिकारी हैं और उनके अधिकारी लगातार एक कंट्रोल रूम के जरिए मॉनिटर कर रहे हैं कि आखिरकार देश में ऑक्सीजन सप्लाई की स्थिति है क्या और कैसे ये अलग अलग जगह पर जरूरतमंद लोगों को ये पहुंचाया जा रहा है। पिछले चार दिनों में दो अहम आदेश गृह मंत्रालय ने जारी किया है। एक तो जो सप्लाई है उसको में किसी भी तरीके की रोक टोक ना हो, और दूसरा सिर्फ और सिर्फ मेडिकल यूज के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई हो, अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई हो, नौ कैटेगरीज को छोड़कर। तो कल से ये आदेश पूरे देश भर में अमल में लाया जाएगा और इसको देखते हुए ये कंट्रोल रूम सक्रिय हुआ है और कोशिश यही है कि जहां जरूरत हो वहां पर ऑक्सीजन पहुंचे। जो संबंधित एजेंसियां हैं, जो ट्रक हैं, जो व्हीकल मूवमेंट है, उनमें किसी भी तरीके की रोक टोक ना आए, उनके पास एक लीगल कवर हो, और वह लीगल कवर गृह मंत्रालय के इस कंट्रोल रूम के जरिए हरकत में आ रहा है, जहां तमाम एजेंसियां निगरानी कर रही हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद अमित आपके अपडेट के लिए, और ये जरूरी है कि सुचारू रूप से कोऑर्डिनेशन हो, इंटर मिनिस्टेरियल कोऑर्डिनेशन हो और स्टेट्स और सेंटर के बीच में भी कोऑर्डिनेशन हो, और कई सारे राज्य हैं जो आपस में भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि किसको जो जरूरत है अगर किसी के पास एक्स्ट्रा है तो वो हाँ शेयर करे, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे वो और कोई मेडिकल फैसिलिटीज हो, हर तरह से एक दूसरे की मदद करने के लिए लोग खड़े हो रहे हैं, राज्य प्रशासन भी खड़ा हो रहा है, सब कोई मेहनत कर रहे हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर ऑक्सीजन पर हो रही सियासत से जुड़ी आ रही है। बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा ने ऑक्सीजन की कमी के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि देश महामारी में जूझ रहा है और कांग्रेस नेता इस पर राजनीति करने में जुटे हुए हैं। ये जो घमंड है गांधी परिवार का, वो कहीं ना कहीं इस आपदा की घड़ी में संपूर्णतः देश के सामने झलक रहा है। बंधुगण, आप उनके तरीकों को देखिए। एक दिन कांग्रेस पार्टी एक चिट्ठी लिखती है, अगले दिन आदरणीय मनमोहन जी से एक चिट्ठी लिखवाया जाता है, सोनिया जी कुछ कहती हैं और वो एक चिट्ठी लिखती हैं, राहुल जी सुबह से दोपहर से शाम तक तीन तीन चार चार ट्वीट करते हैं, फिर प्रियंका जी अगले दिन आके इंटरव्यू देती है। तो स्वाभाविक रूप से जिसको प्रियंका जी कह रही हैं कि वो सुझाव देना चाहती हैं, दरअसल कांग्रेस पार्टी कोई सुझाव देना नहीं चाहता है, कांग्रेस पार्टी तंज करना चाहता है। ये जो पैंडेमिक है, ये जो महामारी है, वहां किस प्रकार से अपने फेल्ड प्रोडक्ट को बेचा जा सके, फिर से उसे एक राजनीतिक रूप से लॉन्च किया जा सके, उसी का प्रयास आज पुनः गांधी परिवार कर रही है। गिद्ध दृष्टि से वल्चर पॉलिटिक्स करते हुए इस आपदा में, इस परिस्थिति में, देश में कहीं ना कहीं पैनिक फैलाने की, कहीं ना कहीं अफरा तफरी की एक माहौल बनाने की कोशिश और फेक न्यूज फैलाने की कोशिश की जा रही है। अब संबित पात्रा का ये पलटवार इसलिए क्योंकि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने वैक्सीन और ऑक्सीजन की कमी के लिए केंद्र को निशाने पर लिया। इसे लेके मार्च तक 6 करोड़ एक्सपोर्ट हुई है हमारे हिंदुस्तान से वैक्सीन्स, और उसी समय में 3 से 4 करोड़ हिंदुस्तानियों को वैक्सीन दिया आपने, तो आपने हिंदुस्तानियों को पहले क्यों नहीं रखा, आपने उनको प्राथमिकता क्यों नहीं दी, अपने पीआर में आप पड़े रहे। और हमें हर रोज टीवी पे दिख रहा था कि मॉरिशस जा रही है, नेपाल जा रही है वैक्सीन, आपने 6 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट की और हिंदुस्तानी लोगों को आपने 3 से 4 करोड़ तक उसी समय में आपने सिर्फ उतना वैक्सीन दिया।
आज वैक्सीन की कमी है। वैक्सीन की कमी किस लिए हो रही है? बैड प्लानिंग। रेमडेसिविर की कमी किस लिए है? बैड प्लानिंग या नो प्लानिंग। ऑक्सीजन की कमी किस लिए? कोई स्ट्रेटेजी नहीं। बेड्स, आपको मालूम था कि ये दोबारा वेव आएगा तो आप टेम्प्ररी बेड्स क्यों नहीं बनवाए? आपने अपने अस्पतालों में सुविधा क्यों नहीं बढ़ाई? आपने फोकस क्यों नहीं किया इन चीजों पे? तो ये तो एकदम सरकार का ही फेलियर है। सवाल करना तो बहुत आसान है ऐसे, लेकिन सबसे बड़ी बात है अमित कि जिन जहां जहां कांग्रेस सक्रिय है वो उन सारे स्टेट्स में हालत खराब है, हालत पस्ता है। चाहे आप महाराष्ट्र को लीजिए, राजस्थान को लीजिए, छत्तीसगढ़ को लीजिए, ऐसा नहीं है कि इस पैंडेमिक ने कांग्रेस की रूल स्टेट्स में कोई काम नहीं किया। कांग्रेस के महाराष्ट्र में तो कोई चुनाव नहीं चल रहा, तो वहां क्या कांग्रेस कर रही थी? क्या सवाल पूछना ठीक नहीं है? क्या इस वक्त इस तरह की राजनीति की आवश्यकता है, या फिर एक वो कहते हैं पॉजिटिव राजनीति जो है, सक्रिय राजनीति है, उसकी जरूरत है? देखिए, जिस तरीके से ये पूरी की पूरी क्राइसिस चल रही है उसने ये दिखा दिया कि हमारे देश के अस्पतालों में किसी चीज़ से जो मरीज हैं वो जूझ रहे हैं, और इस तरीके की बयानबाजी पिछले कई दिनों से विपक्ष की ओर आ रही है। तो ऐसे में जो आम जनता है, चाहे विपक्ष के बयान हो चाहे सत्ता पक्ष के बयान हो, आनंद, उनकी उम्मीद यही कि कम से कम उन तक मदद पहुंचे, और इसके लिए चाहे कांग्रेस शासित राज्य हो, चाहे बीजेपी शासित हो, चाहे किसी भी पार्टी के राज्य शासित सरकारें हों, सरकारों को व्यवस्था को कदम उठाना चाहिए, और ये जो जरूरी चीजों की आपूर्ति है ये हर हाल में होनी चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए, और ऐसे सहयोगात्मक रवैये की जो अपेक्षा है जनता को, चाहे वो सत्ता पक्षी पार्टी हो या विपक्षी पार्टियां हो। आनंद, बिल्कुल, सबसे ज्यादा जरूरी है कि साथ मिलकर काम करें एक दूसरे पर। इस तरह से नुक्ताचीनी करने से अच्छा कि ऐसे ऐसे काम करें कि साथ मिलकर जितनी भी कठिनाइयां हैं, परिस्थितियों को हम इसको पार पा सकें, इससे आगे बढ़ सकें। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ऑक्सीजन पर सियासत करने वालों पर पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि देश में ऑक्सीजन की ना तो कमी है और ना कमी होगी, दिक्कत सिर्फ गिद्ध वाली दूषित राजनीति करने वालों से है। अब दिल्ली में कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की खबरों के बीच कुछ निजी संस्थाओं ने मोर्चा संभाला है और राजधानी के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स भिजवाए हैं। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल, गंगाराम अस्पताल, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, जीटीपी अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई की गई। दिल्ली के सरकारी और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लतों के बीच खबर है कि अब अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो गई है। अगर दिल्ली के सबसे बड़े कोविड हॉस्पिटल एलएनजेपी की बात करें तो यहां पर भी बीती रात 10 टन ऑक्सीजन की सप्लाई हुई है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक मौजूदा समय में पर्याप्त ऑक्सीजन है। तो वहीं सर गंगाराम, जो कि बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां से भी खबर आई है कि कल सुबह तक की ऑक्सीजन का इंतजाम हो गया। सुबह 9 बजे तक की ऑक्सीजन एक प्राइवेट वेंडर और इनॉक्स ने सप्लाई कर दी है। जीटीबी में भी ऑक्सीजन पहुंचने की खबर है। तो ऐसे में जो किल्लत थी, जो सरकार की तरफ से कहा गया था दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से कि 8 से 12 घंटे की ही ऑक्सीजन बची है, कल ये ट्वीट उनकी तरफ से किया गया था और अलग अलग हॉस्पिटल की जानकारी दी थी कि किस हॉस्पिटल में कितने घंटे की ऑक्सीजन बची है। अब बीती रात हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन पहुँचना शुरू हुई है और फौरी तौर पर किल्लत दूर होती हुई नजर आ रही है। और इसी बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल की भी मुलाकात इस मसले पर होनी है। नीतीश हमारे साथ जुड़े हैं। नीतीश, इस वक्त आप कहाँ हैं? कई सारे अस्पताल हैं जहां पेशेंट्स की मात्रा इतनी ज्यादा है, खासकर क्रिटिकल पेशेंट्स की, कि ऑक्सीजन सप्लाई में थोड़ा सा उनको दिक्कत हो रही है। कुछ लोगों के पास आज शाम तक का ही ऑक्सीजन है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे जहां जहां जरूरत हो रही है मदद पहुंच रही है, देर से ही सही लेकिन दुरुस्त पहुंच तो रही है। जी आनंद, देखिए, मैं इस वक्त दिल्ली का दिलशाद गार्डन का इलाका है, ताहिरपुर कहते हैं इस इलाके को। यहां पर कोविड डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है, दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहां पर उसी के ठीक सामने मैं खड़ा हुआ हूं और आज सुबह से मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं। पिछले 2 दिनों से यहां पर बेड की किल्लत, बेड की कमी और ऑक्सीजन की किल्लत की शिकायतें आई थी और कल बाकायदा मंगलवार को हॉस्पिटल ने ये भी कहा था ऐलान करके माइक के जरिए कि अब हम किसी को यहाँ पर भर्ती नहीं कर सकते, हमारे यहाँ ऑक्सीजन खत्म हो गया है।
लेकिन हमें जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक आज सुबह 4 से 4:30 के बीच एक ऑक्सीजन का टैंक यहाँ पर आया, तो कुछ समय के लिए, फिलहाल के लिए एटलीस्ट यहाँ पर अभी मरीजों को सप्लाई मिल रही है, लेकिन ये कंसिस्टेंटली ये जारी इसको रखना होगा। उसके लिए हॉस्पिटल प्रबंधन जो है वो कोशिश कर रहा है। और कल सत्येंद्र जैन ने भी कहा था, जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, मंगलवार को, कि दिल्ली में 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लेकिन हमें सोमवार को 240 टन मिला और मंगलवार को 365 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिला जी। लेकिन जाहिर तौर से आज की बात करें तो स्थिति फिलहाल बेहतर है और उम्मीद करते हैं कि आगे जो है कंसिस्टेंटली ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहेगी इन अस्पतालों। अब तो सेंटर ने भी इस पर मॉनिटरिंग शुरू कर दी है, तो कहीं ना कहीं इसका हल जरूर मिल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ऑक्सीजन की मांग पूरी करने के लिए तेजी से काम होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र, राज्य और प्राइवेट सेक्टर की कोशिश है कि ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़े और इस पर फोकस, तवज्जो पूरी तरह से दी जा रही। बीते कुछ दिनों में जो फैसले लिए गए हैं, जो कदम उठाए गए हैं, वो स्थिति को तेजी से सुधारेंगे। इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। फिलहाल इतना ही। आप सबसे आग्रह है कि जब जब, जहां जहां हो सके और जैसे हो सके मदद करें, साथ मिलकर करेंगे तो इस मुश्किल वक्त का भी पार पा सकेंगे। नमस्कार। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, महाराष्ट्र के नासिक में एक अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन का टैंक लीक हो गया है और देखते ही देखते टैंकर से लीक हो रही ऑक्सीजन पूरे इलाके में फैल गई और अस्पताल प्रशासन में लग गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की महाराष्ट्र के नासिक से, जहां पर 25 मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है। तो ऑक्सीजन लीक होने का ये पूरा मामला, ऑक्सीजन टैंक लीक हुआ महाराष्ट्र के नासिक में, बाहर ऑक्सीजन का यह टैंक लीक हो गया और देखते ही देखते टैंकर से लीक हो रही ऑक्सीजन पूरे इलाके में फैल गई और अस्पताल प्रशासन में लीकेज को रोकने के लिए अफरा तफरी मच गई। तो जगह जगह जहां ऑक्सीजन की कमी की खबरें सामने आ रही, इस सब के बीच देखिए यहां की तस्वीर, जहां पर ऑक्सीजन लीक हो गया और इस सब के बीच अफरा तफरी मच गई। अस्पताल प्रशासन की तरफ से लीकेज को रोकने के लिए अफरा तफरी मच गई, लेकिन जानकारी यह भी कि हालात ऐसे गंभीर, 25 मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है महाराष्ट्र के नासिक की यह घटना, क्योंकि महाराष्ट्र में भी कई हॉस्पिटल से इस तरह की जानकारी मिल रही थी कि ऑक्सीजन ही नहीं है। लेकिन इस सब के बीच देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे किस तरीके से ऑक्सीजन टैंकर से ऑक्सीजन लीक होते हुए पूरे अस्पताल में ये ऑक्सीजन फैलती चली गई और इस सबके बीच इसको रोकने के लिए अस्पताल प्रशासन में मच गया हड़कंप। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, कैसे बने ये हालात, कैसे ऑक्सीजन लीक हुई? गायत्री, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि ये पूरा मामला काफी ज्यादा गंभीर है। नासिक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये अस्पताल है, अस्पताल का नाम जाकिर हुसैन अस्पताल बताया जा रहा है। और विजुअल में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जब एक ऑक्सीजन टैंकर वहां पे पहुंचा था और रिफिलिंग का काम उस अस्पताल के अंदर चला था, तब अचानक जो टैंकर थे वो लीक होना शुरू हो गए। हालांकि वहां पे कई लोग ने कोशिश की थी जो लीकेज हो रहा है उसे किसी तरह से रोका जा सके, लेकिन साफ तौर पर तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जो भी जदोजहद प्रशासन के लोग कर रहे हैं वो जदोजहद उनकी कामयाब नहीं हो पाती है। और चारों तरफ जो गैस लीक हो रही थी, जो ऑक्सीजन लीक हो रहा था, वो चारों तरफ से फैल गया था और काफी ज्यादा अफरा तफरी का माहौल उसमें वहां पर बन गया था। आपको बताना चाहेंगे कि पूरे अस्पताल में तकरीबन 171 कोरोना मरीज एडमिट है, 25 से ज्यादा लोग वेंटिलेटर पे थे। तो यानी कि समझ सकते हैं कि जो 25 लोग मरीज वेंटिलेटर पे थे वो कंटिन्यू उन्हें ऑक्सीजन मिल रहा था, लेकिन इस लीकेज की वजह से जो खबरें आ रही है कि इसमें कुछ वही विवेक वही एक एक सांस बचाने के लिए ऑक्सीजन कितनी बड़ी चुनौती इस वक्त महाराष्ट्र में, क्योंकि कई अस्पतालों से इस तरह की जानकारी मिल रही थी कि ऑक्सीजन नहीं है और इस सब के बीच किसकी लापरवाही से ये हालात बने और अभी क्या स्थिति है वहां पर? गायत्री, देखिए अभी बहुत ज्यादा वहाँ पर पैनिक सिचुएशन है, क्योंकि अस्पताल भी बड़ा है और नगर निगम का अस्पताल है, तो उसमें कोशिश की जा रही है कि जो पेशेंट वहाँ पर है उन्हें किसी तरीके से सुरक्षित वहाँ से बाहर निकाला जाए, क्योंकि हमने बताया था कि 60 से ज्यादा जो पेशेंट है वो ऑक्सीजन पर है।
60 से ज्यादा पेशेंट ऑक्सीजन पे हैं और 25 से ज्यादा पेशेंट वेंटिलेटर पे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 90 के ऊपर जो मरीज हैं उन्हें ऑक्सीजन की सख्त जरूरत थी। और ऑक्सीजन लीक होने की वजह से अब वहां से जो खबरें हैं वो सही नहीं आ रही हैं, आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है और ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ कैजुअलिटीज उस अस्पताल में जरूर भी हुई हैं, लेकिन प्रशासन और जो वहां के डॉक्टर्स की टीम है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो पेशेंट ऑक्सीजन की कमी की वजह से उन्हें दिक्कत हो रही है उन्हें सबसे पहले वहां से बाहर निकाला जाए, क्योंकि ऑक्सीजन लगातार पेशेंट को मिल जाता है। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि 25 बाहर निकाल कर ले जाएंगे कहां, ऑक्सीजन की जरूरत तो आप बता रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट तो ऐसे वेंटिलेटर पर, बहुत सारे ऐसे जिनको ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है, और इस सब के बीच देखिए हालात ये, ऑक्सीजन लीक हो रही है, आप बता रहे हैं कि उन जो मरीज हैं उनको वहां से निकाला जाएगा, लेकिन उनकी इस हालत में उनको लेकर जाएंगे कहां?